जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम करेंगे अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स की पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके आप उन करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे करंट अफेयर्स हम टी बेस्ड करवा रहे हैं ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक मोक टेस्ट बाई नहीं किए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल या एच एस एस भी आप अगर लगाना चाहते हैं मॉक टेस्ट तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा ऐप का लिंक को फॉलो करके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट बाई करने से पहले आपको अजय सर फोर्टी कूपन कोड का यूज़ करना जिससे आपको फोर्टी का डिस्काउंट मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी पार्टनर विद विच बैंक टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी ने किस बैंक के साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है तो की है यस बैंक के साथ ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा बी एस सी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई के अंदर इसकी स्थापना उन्नीस सौ

नीति आयोग ने ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंडिया इन द मीटिंग जी ट्वेंटी हाल ही में आयोजित तीसरी जी ट्वेंटी शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था तो ये किया था सुरेश प्रभु ने जो कि रेलवे मिनिस्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वो हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो कि गए हैं अपूर्वा चंद्र ऑप्शन चंद्री करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द ग्लोबल सिंपोजियम इंडिया ट्वेंटी इज ऑर्गेनाइज बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री ग्लोबल सिंपोजियम इंडिया पी वी एस ट्वेंटी ट्वेंटी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है तो किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीन एंड एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ठीक है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच WEF, की वार्षिक बैठक दो हजार इक्कीस की शहर में आयोजित की जानी है तो की जाएगी ल्यूसर्न के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री भारतीय वायुसेना दिवस पूरे देश में कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आठ अक्टूबर को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन कार्टन चैपमैन वो पास इज एसोसिएटेड विद विद स्पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ टी सी कार्टन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से जुड़े हुए थे तो ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से ठीक है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है कार्टन चैपमैन लीड द इंडियन मैंस फुटबॉल टीम इन नाइनटीन इन्होंने उन्नीस में मैंस फुटबॉल टीम को लीड किया था ठीक है और ये इंडिया के लिए खेले हैं 1990 से 2001 तक ठीक है ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है आपका ही वाज़ अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम ऑफ 1997 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप ठीक है यह उन्नीस सौ सत्तानवे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ गोल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा थे और इन्होंने कोलकाता क्लब के लिए बनाई गई हैट्रिक के लिए भी इनको जाना जाता है ही इज नोन फॉर द हैट्रिक स्कोर्ड फॉर द कोलकाता क्लब ठीक है तो दोनों पॉइंट आपको याद रखते हैं नेक्स्ट विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई गवर्नमेंट इज सेट टू बी प्रिंटेड इन पी वी सी कार्ड सरकार द्वारा किस प्रकार का पहचान पत्र जारी किया गया है जिसे पीवीसी कार्डों में मुद्रित किया जाना है तो यह है आधार कार्ड ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इन स्टेट यूटी वॉज द ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड बायोलॉजी आई आई ए वी इनोग्रेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड बायोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था तो किया गया था केरला के अंदर के ठीक है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जननपीठ अवार्डी पॉइंट अकिकतम अचूतन नंबूदरी वो डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि अकिकतम अचूतन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से संबंधित है तो ये है केरला से ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाई लेकेल स्किल काउंसिल एल डबल एस सी चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है तो यह है स्केल इंडिया ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च कपिला कैंपेन भारतीय किस केंद्रीय मंत्रालय ने कपिला अभियान शुरू किया है तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एज पर द रिसेंट पब्लिकेशन इन लेंसे जर्नल वट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी लैंडसेट पत्रिका में हालिया प्रकाशन के अनुसार 2019 में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है तो यह है 70.8 70.8 इयर्स नेक्स्ट वेयर इज द नंदकानन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है तो यह है ओणेश्वर के अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच स्टेट हैज द बेस्ट एनीमिया मुक्त भारत एएमबी इंडेक्स अमंग 29 स्टेट्स इन द कंट्री देश के उनतीस राज्यों में से किस राज्य का एनिमिया मुक्त भारत सूचका वुड बी है किस देश के बीच में होगी तो यह होगी भारत और यूएसए के बीच में ठीक है नेक्स्ट व नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफे स्टेल्थ कार्बेट कमीशन

मंडी डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल द वर्ल्ड वुमेन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रेंड्स एंड स्टैटिक्स किस संगठन ने द वर्ल्ड वुमेन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रेंड्स एंड स्टैटिक्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है तो एक है यूनाइटेड नेशंस ने ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इंडिया साइंड बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बी ई सी ए विद्री भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते बी ई सी ए पर हस्ताक्षर किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विद स्पेस एजेंसी हैज कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ बोल किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है है नासा ने ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंडिया इज सेट टू एक्वायर सेवेंटी टू थाउजेंड असोल्ट राइफल्स फ्रॉम विस्ट कंट्री भारत किस देश से बेहतर हजार असोल्ट राइफलें प्राप्त करने के लिए तैयार है तो ये करेगा यूएसए से ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वट इज द गंगा अवलोकन दैट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली हाल ही में खबरों में नजर आने वाला गंगा अवलोकन क्या है तो ये है म्यूजियम ठीक है गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ पर है हरिद्वार के अंदर नेक्स्ट इंडिया अनाउंस्ड एस्टैब्लिंग ए एस्टैब्लिशिंग ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है तो की है डेनमार्क के साथ ठीक है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल हैजंस टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री मानव अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना संचालन बंद करने का फैसला किया है तो ये किया है भारत अंदर। है, Next, question, के अंदर ठीक है ऑप्शन बी सैक्ट हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इंडियन एक्टर हैज बीन कन्फर्ड विद यू एन डी पी एस डी जी स्पेशल ह्यूनिटेरियन एक्शन अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को यू एन डी पी के एस डी जी स्पेशल ह्यूनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो किए गए हैं सोनू सूद ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व्हिच इंडिजीनस बूस्टर हैज बिन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्वदेशी बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तो यह है ब्रह्मोस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कैट क्यू दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली ज ए वायरस सेट टू हैव एमर्ज इन विच कंट्री कैटक्यू जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया कहा जाता है कि यह वायरस किस देश से उभरा है उभरा है चाइना से ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच टेक्नोलॉजी हैज लॉन्स ए कैंपेन नेम्ड मेक्स मालस्टोंग किस तकनीकी कंपनी ने मेक्स्ड मालस्टोंग नाम से एक अभियान शुरू किया है कि किया है गूगल ने ऑप्शन बीस दैक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेलेक्टेड एज अप ऑफ यूएसएस सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड किस संगठन को यूएसए के सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड के सह रनर चुना गया है तो यह है सैगल फाउंडेशन ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री शेख नवाफ हैजिन फोन इन एज द आमिर रूल्स ऑफ विच गल्फ कंट्री शेख नवाफ ने किस देश के आमिर यानी कि शासक के रूप में शपथ ली है तो ये है कुवैत ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फोर वट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाई डिफेंस मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई इनोवेशन क्रिएटेड बाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को समर्थन देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है तो यह है आईडेक्स फोर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वट इज अ न्यू आइडियल वेट फॉर अडल्ट इंडियन मैन एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार यश्क भारतीय पुरुषों के लिए नया आदर्श वजन क्या है तो ये है 65 फाइव के जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा और महिलाओं के लिए पूछा जाए वुमेन्स के लिए तो है फिफ्टी फाइव के जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट विच कंट्रीज टू सेंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम्ब माइनिंग रोबोट इन टू स्पेस दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कौन सा देश तैयार है तो यह है चाइना ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन विस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी हैज कमिटेड टू पे यूएसडी वन बिलियन फॉर नेक्स्ट ईयर टू द पब्लिशर्स फॉर देयर कंटेंट किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी सामग्री के लिए प्रकाशकों को अगले तीन वर्षों के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है तो यह है गूगल ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया टू बी लॉन्स्ड भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार कौन सा जिसे लॉन्च किया जाना है तो ये है ट्राइब्स इंडिया ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विस डिकेड इज़ नेम्ड एज द डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग एज पर

दो हज़ार तक नेक्स्ट द फास्ट पेट्रोल कनकलता बरुआ हैज़ बिन इंडक्टेड इन टू विच डिफेंस फोर्स फास्ट पेट्रोल कनकलता बरुआ को किस रक्षा बल में शामिल किया गया है किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के अंदर नेक्स्ट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अन न्यू लोगो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन भारतीय खेल मंत्री ने किस संगठन के लिए एक नया लोगो का अनावरण किया है नियुक्त किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत खेल प्राधिकरण के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ऑपरेशन माई सहेली हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन माई सहेली किस संगठन द्वारा शुरू की गई है किया गया है तो यह इंडियन रेलवे के द्वारा भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया नेक्स्ट इंडिया हैज़ कमिटेड टू बिल्ड ए हैंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल 22,000 सीटर स्टेडियम इन विच कंट्री भारत ने किस देश में 100 so बेड वाला अस्पताल 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है तो ये है मालदीव्स के अंदर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच इंडियन ब्यूरोक्रेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कम्बोडिया किस भारतीय नौकरशाह को कम्बोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो ये है देवयानी उत्तम खोबरागड़ी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विस स्टेट हैज़ टू ऑप्टिन स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन ठीक है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक अभियान क्वाट्रेस में किस राज्य ने सिर्फ स्थान प्राप्त किया है तो ये किया है गुजरात में ठीक है ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर नेक्स्ट माधवीपुरी बोच वो आज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज फर्स्ट वुमेन वोल्ड टाइम मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन माधवीपुरी भूज जो समाचारों में देखी गई थी वह किस संस्था की कि पूर्णकालिक महिला सदस्य हैं तो यह है सेबी की ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर विश्व पशु दिवस किस नेता की कि जयंती पर मनाया जाता है तो मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर नेक्स्ट Which कार manufacturer हैज announced टू withdraw फ्रॉम फॉर्मूला One? किस कार निर्माता ने फॉर्मूला वन से हटने की घोषणा की है तो है ने ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी एट सीन इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री समुद्री गस्त विमान पी एट ए जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश का है तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त स्टेट राज्य अमेरिका का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच कंट्री होस्टेड द हिस्टोरिक फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन किस देश ने महिलाओं पर चौथे विश्व महिला, महिला सम्मेलन की मेजबानी की तो ये की है चाइना ने ठीक है ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट फेमस बिल्डिंग वॉज इल्यूमिनेटेड विद महात्मा गांधी इमेज अलोंग विद हिज मैसेज किस प्रसिद्ध इमारत ने उनके संदेश के साथ महात्मा गांधी की छवि को भी रोशन किया था तो ये थी बुर्ज खलीफा ऑप्शन बीस का करेक्ट आंसर नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्ट बैलेट फैसिलिटीज फॉर एल्डरली पीपल अबोव वाट एज चुनाव आयोग ने किस उम्र से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पोस्ट बैलेट सुविधाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं तो ये हैं अस्सी साल से ऊपर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फोर कॉरपैट इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री कॉरपैट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच में नेक्स्ट वो इज़ द ओनली इंडियन टू फीचर इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंसल सी एम ओज फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंसल सी एम ओ सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है तो ये हैं रवि संथानम ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स What इज द थीम ऑफ 66th Wildlife Week celebrated वीक सेलिब्रेटेड डूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान मनाए जाने वाले छियासठवें वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या था तो ये क्या था रोर रोर एंड रिवाइव मानव व जानवर अंतर संबंधों का अन्वेषण ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन विच कंपनी बिकम द सेकंड इंडियन फर्म टू अटेन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज लाख करोड़ कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाली दूसरी भारत फर्म बन गई है तो यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ठीक है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है ठीक है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है नेक्स्ट द 2020 ट्वेंटी नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द वर्क ऑन विच वायरस किस किस वायरस पर काम करने के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो दिया गया हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए ठीक है और किस किस को दिया गया है हार्वे जे एल्टर माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट विस सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ मीटिंग ऑफ फॉरिन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज हेल्ड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी अक्टूबर दो हजार बीस में क्वाड देशों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक का स्थान कौन सा था कौन सा शहर था तो ये था टोक्यो ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द ट्वेल्थ ब्रिक्स सम्मिट विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन नवंबर सेवनटीन वर्चुअली वास ओरिजिनली टू ई हेल्ड टू सिटी सत्रह नवंबर को होने वाला बारवां ब्रिक्स सम्मेलन मूल रूप से किस शहर में आयोजित किया जाना था तो किया जाना था सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ठीक है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट दिनेश कुमार खारा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक दिनेश कुमार खारा को किस सवार क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट विच इंस्टीट्यूशन हैज एस्टिमेटेड दैट ओवर वन फिफ्टी मिलियन आर लाइकली टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि दो हजार इक्कीस तक डेढ़ सौ मिलियन से अत्यधिक लोग अत्यधिक गरीब होने की संभावना है तो ये लगाया है वर्ल्ड बैंक ने ठीक है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एम ओ यू विद विच कंट्री फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑन साइबर सिक्योरिटी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा पर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है तो दी है जापान के साथ ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विद एरिक्सन टू डिप्लॉय 5G जी रेडियो एंड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन किस भारतीय कंपनी ने 5G जी रेडियो ट्रांसपोर्ट समाधानों को तैनात करने के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी की है तो ये है एयरटेल ने ठीक है ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज इन केमेस्ट्री हैज़ बिन अवार्डेड टू टू साइंटिस्ट फॉर विच फील्ड ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में 2020 का नोबल पुरस्कार दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के किस क्षेत्र में दिया गया तो इनको दिया गया जीनोम एडिटिंग के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो और किन किन नंबर वो हैजिन अपॉइंटेड एज द न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ नीदरलैंड नीदरलैंड के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया तो यह है प्रदीप कुमार रावत ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाना है तेज किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने MSME के ऋण पर ब्याज की छूट किस तारीख तक बढ़ाई है ते बढ़ाई मार्च इकतीस दो हजार इक्कीस तक ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट विच इंडियन बिजनेस पर्सन हैज एंटर द टॉप टेन ऑफ फोर्ब्स इंडिया रिचलीस्टी ट्वेंटी फॉर द फर्स्ट टाइम किस भारतीय व्यवसायी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के शीर्ष दस में पहली बार प्रवेश किया है तो यह साइरस पूना वाला ऑप्शन सी करेक्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट हैज इनोग्रेटेड द इनोग्रेटेड इट्स लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड ऑक्सीजन प्लांट कमीशन बाई आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट्स किस भारतीय राज्य ने आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट्स द्वारा कमीशन अपने सबसे बड़े ग्रीनफील्ड ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया किया है उत्तर प्रदेश ने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट रामविलास पासवान एंटर द गिनीज रिकॉर्ड फॉर विनिंग ए पार्लियामेंट्री इलेक्शन विद द हाइएस्ट मार्जिन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्युएसी हाईलाइटेड रहे हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है रामविलास पासवान ने किस निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक अंतर से संसदीय चुनाव जीतने के लिए गिनीज रिकॉर्ड में प्रवेश किया था तो किया था हाजीपुर से ठीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका नेक्स्ट वो इज द हैड ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म बाई लेबर मिनिस्ट्री टू असैस द इम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इन द कंट्री देश में बेरोजगारों देश में रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए श्रम रोजगार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है ठीक है तो कौन है एस पी मुखर्जी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ई इनवाइसिंग विल बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर अप टू वाट लिमिट ऑफ टर्न ओवर फ्रॉम जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन जनवरी 2021 से करदाताओं को ई टर्नओवर की किस सीमा तक उपलब्ध होगा तो होगा करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्री हैज ए न्यू वर्जन ऑफ इट्स पासपोर्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम चाइना किस देश ने चीन से अलग होने के बाद अपने पासपोर्ट का नया संस्करण जारी किया तो किया है ताइवान ने ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ए आई सी टी ई टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ किस तकनीकी कंपनी ने छात्रों को नए जमाने की तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए ए आई सी टी ई के साथ भागीदारी की है तो की है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन बी इसका करैक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच कंट्रीज़ कैबिनेट हैज़ अप्रूव द लॉ टू इंक्लूड डेथ पेनल्टी एज द हाइस्ट पनिशमेंट फॉर रेप केस किस देश की कैबिनेट ने रेप केस के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है, है बांग्लादेश ने ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर विस स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव हाई टेक क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाई टेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है तो है केरला ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नरेंद्र मोदी रिलीज द बायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी टाइटल दे विचवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस व्यक्तित्व की जीवनी दे विचवा शीर्षक से जारी की है तो यह है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ विच इंडियन कंपनी टॉप द आई आई एफ एल वेल्थ हुरन इंडिया फोर्टी एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी किस भारतीय कंपनी के संस्थापक ने आई वेल्थ हुरन लिस्ट इंडिया फोर्टी एंड सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2020 के तहत टॉप किया है तो यह है जरोधा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वो इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के प्रमुख कौन है तो ये है शशि थरूर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट सदर जपारोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सदर जपारो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो इनको किया गया है क्रिगिस्तान का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विस्टेटी हैज एग्जैम्प्टेड रोड टैक्स ऑन इट्स बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है तो ये जी है न्यू दिल्ली ने ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एज पर द रिस रिपोर्ट टाइटल्ड एनिमल डिस्कवरी 2019 एंड प्लांट डिस्कवरी 2019 हाउ मेनी न्यू स्पीसीज वर डिस्कवर्ड इन 2019 एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरी 2019 शीर्षक वाली हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई तो की गई है दो सौ ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इन विच स्टेट ड्यूटी इज द खार्दुंगला पास लोकेटेड खार्दुंगला दर्रा किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में स्थित तो है तो यह है लद्दाख के अंदर हाईलाइटेड है एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट नेचिफू टनल वो आ सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट नेचिफू सुरंग जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वट इज द इशू प्राइज़ ऑफ सेवन सीरीज ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एस जी बी सोवरन गोल्ड बॉन्ड की सातवीं श्रृंखला का निर्गम मूल्य क्या है तो ये है रुपीज़ फाइव थाउजेंड फिफ्टी वन ठीक है पाँच हज़ार इक्यावन नेक्स्ट हाउ मेनी इंडियन बीच हैव बिन गिवन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भारतीय कितनी समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग दिया गया है तो दिया गया है आठ ठीक है एट इंडियन बीसीज को क्या दिया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नेक्स्ट विच कंट्री सेट टू हो द सेवंथ मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस इन 2020 2020 में शंघाई सहयोग संगठन एस के कानून और न्यायिक मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेजबानी के लिए कौन सा देश निर्धारित है तो यह है इंडिया भारत नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज दो हज़ार बीस रिपोर्ट जारी की ठीक है तो क्लाइमेट से रिलेटेड है कौन जारी करेगा वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड विच कंपनी टू कनेक्ट फाइव थाउजेंड विलेज पंचायत विद सेटेलाइट ब्रॉडबैंड अंदर भारत नेट पे प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट परियोजना के तहत पाँच हजार ग्राम परियोजना ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किस कंपनी का चयन किया है तो क्या है कम्युनिकेशन इंडिया ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द जोजिला टनल विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन स्टेट यूटी जोजिला सुरंग जो हाल ही में खबरों में दिखाई दी का निर्माण किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वेयर इज द रीजनल रा ड्रग रिपोजिट्री डबल आर डी आर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टाब्लिश आयुष मंत्रालय का क्षेत्रीय कच्चा औषधि भंडार आर आर डी आर कहां स्थापित किया जाएगा तो किया जाएगा चेन्नई के अंदर ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री ए नेशनल रिपोर्ट ऑन अंगीकार कैंपेन वाज रिलीज्ड रिसेंटली द कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई यह किस मंत्रालय से संबंधित है तो यह है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है अंगीकार कैंपेन नेक्स्ट ए ड्रग नेम इनमाज़ेब हैज़ बिन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रेटिंग विच डिजीज इनमाज़ेब नामक दवा को किस बीमारी के इलाज के लिए पहली दवा के रूप में अनुमोदित किया गया है तो किया गया है इबोला के लिए ऑप्शन बी का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नगरनाल स्टील प्लांट एन एस पी विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट नगरनाल स्टील प्लांट एन एस पी जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है तो ये है छत्तीसगढ़ के अंदर ठीक है ये मॉक टेस्ट में भी डाला था हमने नेक्स्ट द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना हैज ग्रोसड व्हिच मार्क रिसेंटली ट्रस्टी पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत हाल ही में संपत्ति किस मार्क को पार कर गई है तो ये कर गई 5 लाख करोड़ को ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एज़ पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाई आई एम एफ वट वुड बी द पर कैपिटल जी डी पी ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी आई एम एफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक दो हज़ार बीस के अनुसार दो हज़ार बीस में भारत की प्रति व्यक्ति जी डी पी क्या होगी तो इसका राइट आंसर है यू एस डी सेवेंटी सेवन ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल पार्क लोकेटेड ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका है मुंबई के अंदर ठीक है करंटली काफ़ी हाईलाइटेड था तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट वट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ई वी आई एन डेट वॉज सीनि न्यूज़ रिसेंटली ई वी आई एन का संक्षिप्त नाम क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था टी सी एस कैसे पूछता है ई वी आई एन दे देगा आपको ठीक है इसके अंदर पूछ लेगा कि वी से आप क्या स्टैंड करता है तो वी यहाँ पर स्टैंड करता है वैक्सीन के लिए ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक है तो बीच बीच में से यहाँ पर पूछ लिया जाता है टी के द्वारा स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिएटी स्टार्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रिएटी जो हाल ही में खबरों में थी किस देश से जुड़ी हुई हैं जुड़ी हुई हैं यू से और रशिया से ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 102 जीरो टू मीटिंग वन ज़ीरो सेकेंड मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डिवलपमेंट कमेटी प्लानरी विश्व बैंक विकास समिति प्लानरी की एक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो किया था निर्मला सीतारामन ने ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है तो इसका राइट आंसर है फोर ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द रॉकेट न्यू शेफर्ड नाम का रॉकेट जो हाल ही में खबरों में था किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ है ब्लू ओरिजन से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बेपी कोलम्पो विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्स टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट सेलिस्टियल बॉडी बेबी कोलंबो हाल ही में किस ग्रह खगोलीय पिंड का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था तो इसका राइट आंसर मरकरी ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हैज लॉन्च मिशन शक्ति कैंपेन फॉर सेफ्टी ऑफ वूमेन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है, तो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नेक्स्ट Calro कैपिटल एंड मुरारी Lal Jain are set टू एक्वायर विच इंडियन कंपनी Calro कैपिटल और मुरारी Lal Jalan किस भारतीय कंपनी का अधिकरण करने के लिए तैयार हैं तो ये करेंगे जेट एयरवेज़ का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लोवी इंस्टीट्यूट्स एशिया पावर इंडेक्स फॉर ट्वेंटी 2020, 2020 के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है तो भारत का रैंक है फोर्थ चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ आठ विच कंपनी हैज़ बिन अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट बाई नासा फॉर डिप्लोइंग फोर जी नेटवर्क ऑन मून चंद्रमा पर फोर जी नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अनुबंध से सम्मानित किया गया तो ये कहा गया है नोकिया को ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हींग एस्फेटिडा हैज बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई है की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ दस वन वन जीरो रशिया है ए पैक्ट विद विच इंडियन फार्मा कंपनी फॉर मार्केटिंग स्पुतनिक वी वैक्सीन रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के विपणन के लिए किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ एक समझौता किया है तो किया है मैनकाइंड फार्मा के साथ ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इन एडिशन टू इंडिया यूएस जापान विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन दिस ईयर मालाबार नेवल एक्सरसाइज भारत अमेरिका और जापान के अलावा कौन सा देश इस साल के मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेगा तो ये लेगा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द कटी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी कटि बिहू महोत्सव किस राज्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है तो मनाया जाता है असम के अंदर ठीक है करंटली हाईलाइटेड है ये भी नेक्स्ट what is being referred to as sent that is seen seen in news recently hali mein khabron mein raha sent kya hai to sent hai ek anti tank missile theek hai option d is correct ho jayega next which state in india has recorded the highest number of domestic tourist in 2019 भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए तो ये दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है option D correct हो जाएगा नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ए टी जी एम विच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन पोखरण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ए टी जी एम का नाम क्या है जिसे पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इसका राइट right आंसर है नाग ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वन सिक्स गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी गोलकुंडा किला किस भारतीय शहर में स्थित है तो है हैदराबाद के अंदर ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम इज टू बी कमेंस फ्रॉम जनवरी 2021 राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम का कौन सा चरण जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा तो किया जाएगा थर्ड फेज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट व्हिच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 20 नाइन्टीन एज पर द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ट्वेंटी रिपोर्ट वैश्विक एयर दो रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वैश्विक स्तर पर 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है देखिए तो है इंडिया ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट हैज हैजोप्टेड द पंचायत राज एक्ट इन विच स्टेट यूटी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को अपनाया है तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी विच सिटी द रिकॉर्ड लार्जेस्ट फाउंटेन किस शहर ने विश्व के सबसे बड़े फाउंटेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो तोड़ा है दुबई ने ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साद अल हरीरी नेम्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया गया है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त नेक्स्ट वट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट दैट इज बींग डिवलप्ड बाय भारत बायोटेक भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जाने वाली वैक्सीन का नाम क्या है तो सभी को पता है कोवैक्सीन नेक्स्ट द यूरोपियन यूनियन हैज फिक्सड ए टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई विच ईयर यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक लक्ष्य तय किया है तो किया है 2050 तक नेक्स्ट एज पर द रिसेंट स्टडी द हैबिटेट ऑफ विद स्पीसीज हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन बाय 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक किस प्रजाति के निवास में गिरावट का अनुमान लगाया गया है तो लगाया गया है हिमालयन ब्राउन बियर हिमालयन ब्राउन भालू ऑप्शन सी इज आंसर नेक्स्ट बमला जोगिंदर वार मेमोरियल है किस राज्य में स्थित है, तो ये है के अंदर. जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था भारत के साथ कौन सा देश लॉन्च करेगा तो ये करेगा यूनाइटेड स्टेट भारत तो, और संयुक्त राज्य अमेरिका नेक्स्ट वैन इज द यू एन ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन एक्सपेक्टेड टू कम इन फोर्स परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को कब तक लागू होने की का कब तक लागू होने की उम्मीद है तो यह है जनवरी 2021 जनवरी 2021 से लागू होने की उम्मीद है नेक्स्ट इंडियन ओरिजन वेवेल रामकलावन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री भारतीय मूल के, के वे वेल रामकलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तो इनको चुना गया है से के प्रेसिडेंट नेक्स्ट हैज हिट विच कोस्टल कंट्री रिसेंटली हाल ही में किस तटीय देश में तूफान मोलावे आया है तो आया फिलीपींस के अंदर ठीक है ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विच एयरपोर्ट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ई बोर्डिंग फैसिलिटीज फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है तो यह है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेक्स्ट हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स विल हैव वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एज पर द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन ट्वेंटी 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 फाइव भारतीय राज्य में गिद्ध संरक्षण 2020-2025 की कार्य योजना के अनुसार गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र होंगे कितने होंगे ठीक है तो होंगे पांच ठीक है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बैंड ब्रिंगिंग एल्कोहल फ्रॉम अदर स्टेट किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो लगाया है आंध्र प्रदेश ने ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन देट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली वास इनोग्रेटेड इन विच कंट्री ओरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया इसका उद्घाटन किस देश में किया गया था तो इसका उद्घाटन किया गया पाकिस्तान के अंदर तो दोस्तों ये थे आपके अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि टी सी एस बेस्ड हैं इस वीडियो को आप कम से कम दो बार देखिएगा और इसकी पी डी एफ का लिंक आपको मिल जाएगा सॉरी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर ठीक है तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है पी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी ठीक है परसों आपको नवंबर का नवंबर का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड करवा